गाइस, हिरण फोगट व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और आज का व्लॉग भाई स्टार्ट हो चुका है काफी देर से। मैं नहा धो ली हूँ और सारे घर का काम हो गया है। और भाई झाड़ू पोछा बर्तन मतलब सारा काम आज हमने सुबह जल्दी उठ के और तब कर लिया था कपड़े धोना। और भाई जो प्रेस करना है वो मैं करूँगी शाम को। और आज आने वाले हैं दीक्षा के पापा, तो उसके लिए भाई मैं जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मैं सोची भी घर का काम कर लूँ। फिर घर का काम करने के बाद उनको लेके आना है मेरे को मेट्रो स्टेशन से, तो फिर मैं उनको लेके आऊँगी। फिर उनके आने के बाद भाई उनका खाना और भाई चाय पानी, थोड़ी देर बैठेंगे। तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी आज, तो इसलिए भैया अपना अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा और भाई वो काम मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि रोज़ हर रोज़ भाई यही रूटीन चलता रहता है, इस चक्कर में सोचा चलो आज उसको भाई छोड़ देते हैं। बाकी जो और काम है वो अपना जितना ब्लॉग होता जाएगा भाई दिन में। और भाई आज का ब्लॉग छोटा ही हो पाओगा, तो मैं सोचा जो भाई जितना हो रहा है वही उतना कर लूँ। और अभी भाई मैंने छोले में तड़के लगाऊंगी, छोला बन छोले की सब्जी बना रही हूँ और बनाऊंगी चावल। और उसके पापा को भी चावल थोड़े से कम पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनके लिए बना दूंगी भाई रोटी खाऊंगे तब। रोटी और लस्सी बना दी है तो बच्चों को भाई बना कर और मैं दे दी हूँ। और अब हो रहे हैं 10, तो ये देख लो काम में कितना टाइम लग गया है। परसों भी भाई धूल मिट्टी की वजह से पूरे घर में बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, और कल रात को फिर बहुत तेज धूल मिट्टी हुई, तो फिर कल फिर बहुत ज़्यादा काम फैल गया। तो भाई मैंने अब वो काम करके और मैं अभी फ्री हुई हूँ। और बच्चों की आज छुट्टी है, तो भाई बच्चे अपने खेलने लग रहे हैं, मस्ती करने लग रहे हैं। और अभी मैं नहा ली हूँ, तो डुबू नहाने लग रहा है, उसको नहलाऊँगी, फिर उसके बाद दीक्षा नहा लेगी, फिर बस सारा काम हो जाएगा फिनिश। और मैंने आज सिर धो लिया है मेहंदी लगाने के। मैंने उस दिन सिर धोया ना मेहंदी, जिस दिन लगाई मैंने अगले दिन जब सिर धोया, मैं रात को लगा के सोती हूँ क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा ये है कि जितनी देर ज़्यादा लगाऊंगी उतनी ज़्यादा रचेगी, तो इस वजह से भाई मैं पूरी रात लगा के सोती हूँ। और मैंने सुबह धो लिया था सिर, तो भाई मैं उसके ऊपर लगा लिया सरसों का तेल, अच्छे से भाई वो हो जाता, कलर छोड़ देगा इस वजह से। और आज मैंने किया शैम्पू, तो देखिए मेरे बालों का कलर। मेहंदी लगाने से ना काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है, तो भाई मेरे को ना मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर टाइम नहीं लग पाता। कई बार टाइम किया थी कि वो हो जाए है भाई, कई कई दिन हो जाए मेहंदी लगाए। जब मेरे पहले मैं बहुत साल से लगाती हूँ, तो मेरे तब वाइट नहीं थे, तब तो मैं छोटी थी तो वाइट नहीं थे, तब मेरे को शौक था मैं शाइनिंग के लगाती थी। और अब एक आधा वाइट होने लगा तो मेरा मन नहीं करता मेहंदी लगाने का, बहुत कम लगा पाऊँ इस चक्कर में रह जाऊँ भाई, आज लगाऊँ कल लगाऊँ। और फिर भी भाई अपने कर लूँ हूँ, लगा लूँ हूँ, तो देख ही लो मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। और बस अब भाई थोड़ी देर करांगे रेस्ट, खाना बना लूँ फिर खा कर, और फिर मिलूँगी आपसे। फिर आ जाएंगे इतने बच्चे के पापा भी, ठीक है। चलो भाई पहले एक बार कर लेती हूँ छोले, फटाफट बना लूँ और फिर खा पी लिया, फिर मिलते हैं आपसे। खाना बन गया, बस अभी 2 मिनट में हो गया खाना। मैंने बना दी है छोले और इधर बना दिए हैं चावल, और यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए रख दिया है, तो फिर ये होने के बाद मैं इसको उतार दूंगी, बढ़िया तरीके साफ कर दूंगी। और छोले और चावल बन गए, मम्मा जल्दी बना, बन गया बेटा, बस ये डाल दूंगी। मैंने भूख लग रही है कि पूरा दिन की मैं लगा ले, कल भी धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो साफ सफाई करी है, वो जब तेरी छुट्टी थी तो नैल करा देना, तो और दुखी हो जाती मैं। एंड भाई चलो अब खाना फटाफट खाना, और पहले मेरे ख्याल से ना नहा लूँ बेटा, मैं तो नहा ली हूँ, और तेरे पापा को फिर मैं लेने जाऊंगी, मैं तो लेट जाऊंगी। डोगू पहले तू नहा ले, पापा कब आएंगे? बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे, तो फिर मैं उन्हें ले आऊंगी और फिर ले आकर ना, और फिर करेंगे रेस्ट, फिर उनके लिए बना लेंगे तुम्हारे लिए भी, मैं उससे बना लेंगे, तो पहले भी फटाफट खाना खा लो ये खाने के बाद, नहीं तो फिर भूख नहीं लगेगी, शेक नहीं पी पाओगे। इस हमारे टाइम पर नहा कर खा लो, फिर पी लेंगे शेक, फिर थोड़ी सी भूख लग जाएगी। देखिए देख ऐसे घूम रहा है, नहा लेना बेटा फटाफट नहा ले, ठीक है? थोड़ी देर नहीं बेटा, गंदी बात, थोड़ी देर में ये पेंसिल से खेलेगा, ये देख लो। चल ठीक है, तो फटाफट चल नहा ले, मैं डाल दूँ तेरा खाना, ठीक है? और अरे तेरे पापा आ जाएंगे तो एक दिन मैंने बड़ा ना कटवा ले, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटी बन जाए मम्मा इनकी, तो हाँ शाम ना कटवाएगी, देख देख छोटी छोटी स्कूल में मैडम भी करने लगी होंगी, एक बार कटवा ले ना, नहीं मम्मा हर बार कटवा दो तो मेरे को नहीं कटवा रहे, मेरे को नहीं लेना मजा, नहीं नो थैंक।
ब्लॉग्स। कोई नहीं, वो जाने दो। कहाँ करवाई, ये कोई कटिंग होती है इतने लंबे लंबे? बस फिर मेरे को भी इतने नहीं करवाने ना। इसकी गंदी कटिंग करवावा या फिर वैसे कटिंग करावा, कमेंट करके जरूर बताइयो। वैसी कटिंग और डुगू गंदी मत करवाइयो। आप इतना कमेंट करोगे इतना रुक जाओगे। इतना गंदी कटिंग करानी चाहिए या कोई सा हेयर स्टाइल बनवाना चाहिए? ना भाई डुगू यार, तू हेयर स्टाइल में अच्छा लगता है, गंदी मत करवाइयो। घूमने जाओगे ना लगता दिखेगा, हाँ भाई आगे गंजा रही है ना भाई, वो गंजा मत होइयो। बता देती, चलो भाई कमेंट करके बताइयो इसको गंजा करवावा। गर्मी में थोड़ी सी हवा लगती है ना मम्मा, इसके सर पे स्टाइल अच्छा लगता है कटिंग। जरूर बताइयो भाई कमेंट करके, ठीक है? चपटू बोल, पकड़े गिरेगा तो हमेशा, पता नहीं भाई। अच्छा भाई आप सभी खा लो खाना, छोले की सब्जी, चावल और लस्सी। हाँ बेटा, इसकी फोटो है कौन सी? दीदी की। दीदी की गिर गई है वहाँ ऊपर से, गिर गई। दिखाने वाली दीक्षा की, ये दीक्षा की छोटी सी की फोटो, और कितनी क्यूट सी थी। ये ऊपर रखी थी, पता नहीं आते पैन की आवाज़ से है ना, नीचे गिर गई और थोड़ी सी ना टूट गई, इसको ठीक करवाना पड़ेगा ऊपर से नीचे से। ऊपर से भी सही है, आजा भैया आप सभी खा लो छोले चावल गरम गरम। ले डुगू खा ले, डुगू छोटी दीक्षा, ये देखो छोटी दीक्षा है ये। और अब ये जो मेरे सामने थी वो तो बड़ी दीक्षा, ये जो ऐसा छुप छुप के देख रही है हमें, ये देखो इधर खा ले, मेरे को भूख लग रही है, फिर मैं तेरे को खिलाऊंगी नहीं, ऐसे करेगा तो। बहुत टेस्टी बन रहे हैं छोले चावल, तो बेसब के मैं बनाए हैं जिसे सिंपल बनाया, खीरे का तड़का लगा रखा था मैंने। चार बच्चों की छुट्टी है तो आज बना दूँ छोले चावल। तेरा पापा होगा ना, तेरी सारी बोलती बंद हो जाएगी, समझ गया? तेरा पापा होगा ना जो सारी बोलती बंद है, पता चल जाएगा। अंत बताऊंगी भाई ने मेरी नाक के दम ला रखा, बहुत परेशान कर ली मैं, समझ गया? मत हिला इसको, क्या कर रहा है ये आने वाले, पहले बताऊंगा फिर कहेगा, अंत कर कटवाऊंगी। ठीक है तो बंद कर दे फिर, बंद कर दे इसको, बंद। चलो भाई ये देखिए गाइस आके आगे देख रहा है, देखिए गाइस मेरी बहन इस दरवाजे के अंदर छुप रखी है, देखिए। क्या कर रही है? नहा रही है, ठीक है देखना। मजा रही है पापा को लेने के लिए। भाई मार ला, हाँ धूप में डाठा, बहुत तेज धूप हो रही है बाहर। और भाई देखो आप डाठा मारना भी शिकायत ऐसे करके, और इसको ऐसे चुनने को ऐसे किया और पीछे से ऐसे चुनने को लेके आए और इसको यहाँ ऐसे किया, और ये हो गया भाई हमारा फेस कवर। और ऊपर तो लगा लिया चश्मे, बस कोई धूल मिट्टी कुछ नहीं लगेगी।
और मैं अब जा रही हूँ दीक्षा के पापा को लेने। अच्छा ये बोला भाई मेरा काम शुरू ये तय की मैं फ्री कई दिन चलेगा रे। अब रोज सुबह जल्दी उठ के आपको करना पड़ेगा डबल डबल काम। चलेगा पापा को दे। हाँ अब हम जा रहे हैं भाई मेट्रो स्टेशन गर्म विषय बचाव के लिए नहीं तो आज सारे काले गिर जाएंगे। पहले बहुत ज्यादा तेज चल रहा है क्या? नहीं जा रहा बाय पापा को लेने। बाय मम्मा जल्दी आ मैं तेरा स्कूटी निकालू। आया आपको बहुत सुनो ये खेल रहे हैं आते हैं लूडो टीम अप। अरे भूख रुक जा चल अंदर चलो। नहीं नहीं ये चलो चलो अब लास्ट पॉइंट पे कौन जीतता है देखा। एक दो एक अरे दो देखते हैं मैं आरती का जीता गया डुगुर उसका पापा अरे कौन सा जीते हमें हम जीत गए पार्टी तुम दोगे जो आ रहा करे वो ना दिया करे जो आ रहा है वो पार्टी ना भाई मैं छो हूं इब। हां एक और मैच है नहीं तो बहुत है इब सो जाओ तो भारी हो रही है फिर दूध ले आऊंगी। चल सो जाए घंटा सो जा रहे आ रहे क्या डुगू ते आ रहे ना है पार्टी कर दो पार्टी। और आपने हमारा ब्लॉग अच्छा लगा ना तो भाई लाइक कर दिया करो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है इस तब ना हौसला मिला भाई हम इतना वो बात है पूरा दिन अपनी रूटीन दिखावा हाँ और इतना टाइम निकाला हाँ तो उसके लिए भाई एक लाइक तो बनाए है और आपने अपनी भाई ब्लॉगिंग में पूरे दिन का रूटीन हर चीज़ शेयर कर रहा हाँ तो भाई लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। और भाई अगर हमारे चैनल पर कोई नया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो सब्सक्राइब करने से भी भाई आपका कमेंट नहीं जाता है सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दिया करो जिससे कि हमारी आने वाले अच्छे अच्छे ब्लॉग के बारे में अपना पता चलता रहे वीडियो के बारे में और भाई अपने टाइम पर देखने मिल जाऊंगी। और आप है ना भाई हमारे ना पूरी देखा करो हमारी वीडियो और आपने ना आगे आगे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी बाहर घूमने के भी और कहीं भी जाए आएंगे घर पे भी तो इसके पापा आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा चेंज तो होगा ही तो भाई ये भाई ना अपने बड़े मज़ेदार ब्लॉग मिला करेंगे आप डेली देखा करियो मिस मत करियो मिस करते होगा तो नहीं सोच लो भाई आपने सब कुछ छोड़ दिया आप है ना भाई हमारे ब्लॉग ने पूरा पूरा प्यार दो लाइक कमेंट शेयर बाय।